हज़रत इल्तिमास है कि एक मरतबा फिर सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाते। बानी अज़ा ख़ाना मरहूम मक़बूर सैयद अली मुत्तक़ी जाफ़री को और उनकी दो बेटियां जो दोनों ज़ाकिरे अहले बैत थी, मरहूमा सग़ीर फ़ातिमा और मरहूमा सुल्ताना और जुमला मोमिनीन व मोमिनात की रूहों को, खुसूसन मरहूम सैयद मुजफ़्फ़र अली शाह साबिक़ वाइस चांसलर मेहरान यूनिवर्सिटी की रूह को भी इशार कर। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ آل عمران کی 18ویں آیت ہے۔ سورہ آل عمران یوں آپ کو یاد رہ جانا چاہیے کہ آپ آل عمران سے خوب واقف ہیں۔ اور اس آیت کا نشان ہے، آیت کا نمبر ہے 18۔ یہ اس لیے یاد رہ جانا چاہیے کہ کربلا میں 18 جوانہ نے بنی ہاشم کیا۔ تو یہ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت ہے جو میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آیت شہد اللہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو،
अल्लाह सुबहानहु व तआला गवाही देता है कि कोई माबूद बरहक नहीं है सिवाय उसके। वल मलाइकतु, और मलाइका भी गवाही देते हैं कि कोई माबूद बरहक नहीं है सिवाय उसके। व उलुल इल्म, और जो उलुल इल्म हैं। अब इजाज़त दीजिए कि मैं इसका तर्जमा यूँ कर दूँ कि जो मालिकान इल्म हैं। जो मालिकान किश्वर इल्म हैं, जो सरवरान मालिक मालिक, जो सरवरान किश्वर इल्म हैं, वो भी गवाही देते हैं कि कोई माबूद बरहक नहीं है सिवाय उसे एक ज़ात बरहक के। और ये तमाम के तमाम गवाही देने वाले, इनकी हालत ये है, ये हाल ये है, कैफियत ये है कि वो गवाही देते हैं आदल पर सरफराज रहते हुए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अज़ीज़ुल हकीम, कोई नहीं है माबूद बरहक सिवाय उस अज़ीज़ हकीम के। गुजारिश कर चुका आपकी खिदमत में कि बज़ाहिर इस आयत में मज़मून मज़मून तौहीद है, मज़मून मज़मून वहदानियत है। और अगर आप हजरात के हाफिज़े पर भरोसा करूं, तो मुझे ये यकीन रखना चाहिए कि आपके जहनों में इस फ़कीर का ये जुमला महफूज होगा कि असलन ये कुरान मजीद वो किताब है जिसका मौजू ही तौहीद है। ये बहुत अहम नुक्ता है, ये बहुत अहम मसला है कि कुरान मजीद अगर कोई किताब है तो फिर हर किताब का कोई एक मौजू होता है। आप किसी लाइब्रेरी में चले जाएं, कोई स्टूडेंट, कोई स्कॉलर, कोई साहिब ज़ौक, कोई अहले नज़र किसी लाइब्रेरी में चला जाए, जिस किताब पर भी उंगली रखेगा, हाथ रखेगा, उससे पूछिए ये किताब का मौजू क्या है, वो एक लफ्ज़ में जवाब देगा। हालांकि किताब सैकड़ों या हज़ारों सफ़ों पर मुश्तमिल होगी, उसमें बहुत सी बातें होंगी, बहुत से मज़ामीन होंगे, बहुत से मसाइल होंगे, बहुत से निकात होंगे, बहुत से लताइफ़ होंगे, बहुत सी दकीका संजियाँ होंगी, मगर उसका मौजू कोई एक होगा। वो कह देगा ये तारीख़ की किताब है, ये फिज़िक्स की किताब है, ये रियाजियात की किताब है, ये तबीयत की किताब, एक लफ्ज़ में जवाब दे देगा। तो अगर कुरान मजीद हाथ में लें आप और पूछे कोई आपसे कि इसका मौजू क्या है, तो तकरीबन ऐसा लगता है कि 1400 बरस तक ये मसला तय न हो पाया कि कुरान मजीद का मौजू क्या है। इसलिए कि हमारे एक जलीलुल क़द्र आलिम और अज़ीमुल मर्तबत मुतरजिम और मुफस्सिर जनाब मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, परवरदिगार उनकी रूह पर रहमत नाजिल फरमाए और उनके दरजात बुलंद फरमाए, मैं दिल से उनकी क़दरदानी करता हूँ। अज़ीम आलिम थे, मुखलिस थे और ख़िदमत गुज़ार इस्लाम व क़ुरान थे, ख़िदमत गुज़ार इस्लाम व अहले बैत थे। और उन्होंने जब तफसीर तफहीमुल क़ुरान लिखी तो उसके शुरू में मुक़दमे में ये मसला उठाया कि अगर क़ुरान मजीद कोई किताब है तो फिर इसका कोई एक मौजू भी होगा, तो हमें ये जस्तजू करनी चाहिए कि इसका मौजू क्या है। जब मैंने ये मुकदमा पढ़ा तो हैरत में रह गया कि क्या ये भी जस्तजू की बात है कि इसका मौजू क्या है। और उसके बाद चूँकि उस ज़माने में एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है
جدیدیت اور جدیت جدیدیت کی فلسفیانہ اساس فلسفے میں اور ادب میں، وجودیت کا فلسفہ، ایگزسٹینشیلزم کا فلسفہ بہت عام تھا، اور اس میں مرکزی حیثیت، مرکزی اہمیت انسان کو دی گئی ہے، تو اس لیے غالباً یا اور کچھ اسباب و علل ہوں گے، انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا مختصر سی بحث کے بعد کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے. یہ فقیر ان سے اختلاف کرتا ہے. میں نے تقریری اور تحریری دونوں طور پر یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کا موضوع انسان نہیں ہے، قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، توحید حق صمدی. اور از اول تا آخر عرض کر چکا ہوں، اس ممبر پہ بھی عرض کر چکا ہوں گا 7-8 برس پہلے، از اول تا آخر بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن مجید میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسئلے حیات اور کائنات کے بیان ہوئے ہیں، مگر تمام مسئلے ایک ہی اساس پر، ایک ہی بنیاد پر، ایک ہی محور پر طے کیے گئے ہیں، اور وہ ہے اساس توحید. توحید حق صمدی، زندگی کے چھوٹے سے مسئلے سے لے کر اور بڑے سے بڑے مسئلے تک، ہر مسئلے کو قرآن مجید نے توحید کی بنیاد پر، توحید کی اساس پر، توحید کے محور پر حل کرنے کی تعلیم دی ہے. تو یوں تو پورے قرآن مجید میں موضوع ہی توحید ہے، لیکن بعض مقامات پر قرآن مجید میں یہ موضوع توحید اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہوا ہے. دیکھیں، سورج نکلتا ہے جب سو تو سورج ہی ہوتا ہے، مگر وہ دور ترین افق پہ ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں وہ تیزی نہیں ہوتی، رنگ بھی ویسا نہیں ہوتا. جب وہ دھیرے دھیرے بلند ہوتا ہے تو پھر اس کے کرنوں کی رنگیں رنگ کرنوں کی رنگت بھی بدلتی ہے، حرارت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، چمک میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جب بالکل آپ کے سر پہ آ جاتا ہے نصف النہار، اس وقت اس سورج کی آب و تاب کچھ اور ہوتی ہے، اس کی حرارت، اس کی روشنی، اس کی تابانی، درخشندگی، تابکاری، اور پھر وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے تو پھر شام کے وقت اس کی روشنی جو ہے وہ بالکل شفق میں بدل جاتی ہے. ہے وہی سورج، ہے اسی سورج کی کرنیں، مگر فاصلے جب بدل جاتے ہیں، کم ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں، تو پھر اس کی تابانی میں فرق آ جاتا ہے. تو اسی طرح کوئی حقیقت، دیکھیں محسوس مثال دے کر آپ کے لیے بات روشن ہو گئی. قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتوں میں ہر جگہ توحید کی تجلی ہے، مگر بعض مقامات پر توحید کی درخشندگی بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہے. ان مقامات میں سے ایک مقام یہ آیہ شہد اللہ ہے، اللہ خود گواہی دیتا ہے. گزشتہ گفتگووں میں یہ بھی عرض کیا جا چکا کہ خود لفظ شہدہ جو ہے، اس میں ابن فارس نے تو یہ صراحت کی ہے، ابن فارس وہ شخص ہے کہ جو اردو، جو عربی زبان کا اتنا بڑا عالم ہے کہ لغت کے معاملے میں اس سے بڑا کوئی عالم اس کی برابری کرنے والا نظر نہیں آتا. ابن فارس نے کتاب معجم و مقاییس اللغہ میں عربی کے روٹ ورڈز کے اندر چھپے ہوئے معانی کو بیان کیا ہے. تو اس نے کہا یہ شین، اشین، والدال، والہا، والہا والدال، اس میں اصل یدل علی الحضور
अला हुज़ूर व इल्म व इदाम। इसमें तीन मायानी हैं। एक है हुज़ूर, यानी जिसे आप कहते हैं हाजिर व नाजिर होना, हुज़ूर या मौजूद होना। और दूसरे मानी है सिर्फ इल्म, शहदा गोया आलिमा। और तीसरे है इलाम, शहदा यानी जो इल्म उसके पास था उसकी गवाही दी, इल्म का इजहार किया, इल्म को मुंतकिल किया। बाज़ दूसरे अरबाब लुगत ने और मुहक्किकीन ने एक मानी का और इजाफा किया और कहा कि इसके मानी कवावत के भी हैं, फैसला करना, शहदा यानी फैसला किया। और इन तमाम मानी के शवाहिद क़ुरान मजीद ही की आयतों से पेश किए हैं। अब वो रफ्तार रफ्तार अर्ज़ करता चला जाऊँगा, लेकिन मजलिस के तकाजे भी पूरे करने होते हैं कि ये मजलिस है। तो एक फ़िक्रे में अर्ज़ करूँ कि जब आप आम तौर पर भी किसी कज़िये में, किसी मुकदमे में जज के सामने खड़े होते हैं गवाही देने के लिए, तो ये आपका एक अमल तीनों मानी का हामिल होता है। अगर आप सच्चे गवाह हैं, अगर किराए के गवाह नहीं हैं, अगर सच्चे गवाह हैं तो तीनों मानी, यानी आप गवाही देते हैं, यानी जो इल्म है आपके पास उसे जाहिर करते हैं, बयान करते हैं, इलाम करते हैं। जो इल्म है तो इसका मानी इल्म है आपके पास, और इल्म वही शुमार होता है कि काजी जज पूछता है ये वाकया आपके सामने हुआ था, आपने देखा है, यानी हुजूर आप हाजिर थे। तो गोया एक ये फ़िल जो गवाही देने का है, शहादत देने का है, शाहिद बनने का है, इसमें तीनों मानी मौजूद हैं। हाजिर होने के मानी भी मौजूद हैं, आलिम होने के मानी भी मौजूद हैं, और इल्म को मुंतकिल करने यानी इलाम के मानी भी मौजूद हैं। और कभी कभी आपकी गवाही फ़ैसले की बुनियाद बन जाती है। तो गोया कज़ावत के मानी से करीब हो गए। देखिए एक एक लफ्ज़ पे गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह करे कि 9 तारीख तक मुकम्मल हो जाए। अब यहाँ ठहर के गुफ्तगू करनी ये है, शहद अल्लाह से मुराद क्या है। अल्लाह सुबहानहु व ताला मौजूद है और वो ख़ुद अपनी हस्ती पर गवाह है, और उसका इल्म इल्म हुज़ूरी है, और फिर वो अपने इल्म का इजहार फरमा रहा है अपने मखलूकात के लिए, और अपने इल्म का इजहार जिस जिस तरह मुमकिन और मुनासिब है मखलूकात के लिए उस तरह से वो इजहार कर रहा है। यानी जब वो गवाही दे रहा है तो वो इस अंदाज से गवाही दे रहा है कि जिसे कहते हैं आफ्ताब आमद दलीले आफ्ताब, निस्फ नहार का वक्त हो, हंगाम हो, साथ हो जोहर की, और सूरज सामने चमक रहा हो, तो किसी और को गवाही देने की ज़रूरत नहीं है कि ये सूरज है। सूरज खुद अपने वजूद पर गवाह होता है। तो परवरदिगार आलम की हस्ती खुद अपनी हस्ती पर गवाह है। बस ज़रूरत इस बात की है कि बंदे के और ज़ात हक़ के दरमियान कोई पर्दा हायल ना हो, कोई हिजाब हायल ना हो, कोई अब्र ना हो, और इन हिजाबात को हटाने की सई व कोशिश ही सब कुछ है। रियाजत, सैर, सलूक, इबादत, इताअत, जो कुछ क़ुरान मजीद या कोई भी किताब आसमानी, कोई भी नबी, कोई भी इमाम, कोई भी वली दावत देता है, इबादत करो, रियाजत करो, इबादत करो, रियाजत करो। किस लिए इबादत करो, किस लिए रियाजत करो? ताकि जो सूरज है उसके और तुम्हारे दरमियान जो बादल है, जो भी हिजाबात हायल हैं, वो हिजाबात बरतरफ हो जाए।
एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। कल ही गालिबन मैंने अर्ज़ किया था कि यह भी वाज़ह रहे कि रिलेवेंस क्या है इस बहस का। अव्वलन तो वाकई ये बहस हमेशा ज़िंदा रही है और रहेगी। दूसरे ये कि इस वक्त इस अहद में जब हम सांस ले रहे हैं तो पूरी दुनिया में शोरिश इल्हाद बरपा है और इंसान से उसकी असालत सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। इंसान से उसकी असालत सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। इंसान से उसका हज़रत हक सुबहानहु व तआला पर यकीन सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटीज़ के निसाब ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि वहाँ से पढ़ के जो बच्चा निकले मुल्हिद हो, वो अल्लाह का बंदा न रह जाए, वो किसी भी सरमायादार की किसी कल का किसी मशीन का पुर्जा बन के रह जाए। जो होलिस्टिक अप्रोच पहले हुआ करती थी तालीम में वो अब नहीं है। माफ़ करेंगे मेरे जवानाने अज़ीज़, गौर करेंगे, नज़रसानी करेंगे, देखेंगे कि अक्सर ये होता है कि लोगों को पढ़ा लिखा समझा जाता है लेकिन आगे बस कैसे अर्ज़ करूँ। जो कैफियत होती है, जो तह दर तह दर तह जहालत होती है, वो ऐसे ही होती है जैसे तह दर तह दर तह बादल होते हैं। अभी कहा था मैंने वो बादल जो हैं वो सूरज की किरणों को पहुँचने नहीं देते, ये जहालत भी फितरत की पाकी को उभरने नहीं देती। ये जो फितरत पाकीज़ा है इसके अंदर जो रोशनी है, मालूम है ना आपकी फितरत कितनी पाकीज़ा है, किसने बनाई है ये फितरत, ये फितरत किसने बनाई है। यूनिवर्सिटियों के कोर्स जो हैं उन पर भरोसा ना कीजिएगा। रोज़ी रोटी कमाने के लिए सीख लीजिए मगर ये ना समझिएगा कि बस कुल इल्म यही है। इस फ़कीर की इतनी बात गिरह में बांध लीजिए। मैं मेरी तो तहरीकी है तालीम, खूब तालीम हासिल कीजिए, हर मैदान में जाके तालीम हासिल कीजिए। यूनिवर्सिटीज़ में जो आखिरी डिग्रियां होती हैं वहाँ तक पहुँचे आप। लेकिन आजकल की यूनिवर्सिटीज़ के जो निसाब हैं उन निसाबों पर भरोसा न कीजिए। वही कुल इल्म नहीं है, इल्म उसके अलावा बहुत कुछ है। अगर उसी को कुल इल्म समझ लिया तो समझिए कि तह दर तह दर तह तारीख जहालतों के नीचे दब के रह जाएंगे। ये याद रखिए, जो फितरत है आपकी बड़ी पाकीज़ा फितरत है, नफीस फितरत है। अब मैं बाज़ बातें मिंबर से अर्ज़ करते हुए ज़बान लुकनत करने लगती है लेकिन मजबूर हूँ कि जो जदीद दुनिया है बड़े बड़े माहिर तालीम बने बैठे हुए। माहिर तालीम कहते हैं, कहते थे हम लोग उसको, कहते थे, जिसकी कोशिश होती थी
कि इंसानी मौलूद के अंदर पोशीदा तमाम फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए यह निसाब बनाएगा, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, कि ये शख्सियत के अंदर जो कुदरत ने सलाहियतें खूबियाँ पहले से वदियात कर रखी हैं इसको वो परवान चढ़ाने की कोशिश करेगा। अब सूरत हाल ये नहीं है, और दूसरी कोशिश क्या करेगा, फितरी बातें सिखाएगा। काश इतना ही जुमला काम कर जाए, यानी आपके जहन पहुंच जाए। अब तो 5 बरस और 6 बरस के बच्चों को ये सिखाया जाता है कि तुम गैर फितरी कैसे हो सकते हो। खुदा ना करे कि यह वबा इन मुल्कों में आए, लेकिन जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें तो क़यामत है। अभी भी अगर रोशन ना हुआ हो मसला, तो मैं ज़रा सा ये जुमला बस इतना ही कह दूँ, इससे ज़्यादा तहजीब मिंबर माने है, 5-6 बरस के मासूम बच्चों को जो नाबालिग हैं उनको अहकाम बालिगान सिखाने के क्या मानी है। क्या मानिए, तालीम की खिदमत है, ये कोई पॉजिटिव अंदाज है सोचने का, ये माहिर तालीम होने के ये समरात हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने के ये समरात हैं, तहजीब शनासी के ये तकाजे हैं, सकाफत शनासी के ये तकाजे हैं, ये तामीर इंसानियत है या इंसानियत की हलाकत के असबाब। यानी 5-6 बरस के 7 बरस के बच्चों को, लड़कों को लड़कियों को तालीम बालिगान दी जा रही है, बस इससे ज़्यादा तो वजाहत में नहीं कर सकते। और इसे आप तालीम कहेंगे या तखरीब। और पूरी दुनिया, मैं लंदन से आ रहा हूँ, वहाँ सबसे ज़्यादा मुसीबत इस वक्त ये, हर शख्स आता है मौलाना बताइए क्या करें, मौलाना बताइए क्या करें, मौलाना बताइए क्या करें। 6 बरस का बच्चा घर पे आता है मुझसे ये पूछता है, बताइए मैं क्या करूं। ये तालीम गाहें हैं या ये दुनिया के वेस्टर्न कैपिटलिज्म का जो निजाम है उसके फासिको फाजिरो गुनहगार जालिम अफराद ने हायर करके ऐसे मुफक्किरीन को ऐसा डिजाइन करना चाहा है तालीम का निसाब कि इंसानियत तबाह हो जाए, सिर्फ उनके चंद खानवादे रह जाएं कुरे अर्ज पर आयश करने के लिए, बाकी सब हशरातुल अर्ज हैं। आप यकीन रखिए कि जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म है बतौर खास, इसके आगे इंसान की कोई हकीकत नहीं है। आपकी हकीकत कितना ही बड़ा दानिश्वर हो, ये जनाब हिलाल नकवी साहब तशरीफ फरमाए, परवरदिगार इनकी उम्र में इजाफा फरमाए, उम्र खिज्र अता फरमाए, शायर अहले बैत हैं, खिदमत गुजार मकतब अहले बैत हैं, नक्काद हैं, अदीब हैं, मरसिए कहे हैं, न जाने कितने बच्चे अब इनके जेरे तरबियत हैं। इन जैसे दानिश्वरों की निज़ाम सरमायादारी में क्या अहमियत है, क्या हकीकत है? न जाहिल की हकीकत है, न आलिम की हकीकत, न शायर की हकीकत है, न अदीब की हकीकत, न कानूनदा की हकीकत है, न फकीह की हकीकत, कोई कुछ हो उसकी कोई हकीकत नहीं है। हशरातुल अर्ज की तरह है उनके सामने सब, उनके सामने सबसे ज़्यादा अहम उनकी खुदी, उनके अपने ख्वाहिशात नफ्स, उनके अपने असबाब असबाब ऐश, बस और कुछ नहीं। वाज़े है, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ भी अगर तनकीद की जाए तो बाज़ हज़रात को अच्छा नहीं लगता। और यकीन फरमाइए कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो ख़राबियाँ हैं वो इनकी नहूसतें हैं, पूरी दुनिया में जहाँ भी जो दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ भी जो टेररिज्म हो रहा है, जहाँ भी जो फितना और फसाद हो रहा है, वो उसकी जड़ें जाके वेस्टर्न कैपिटलिज्म में तलाश कर लीजिए आप। मैं किसी एक मुल्क को नहीं सजा मैं मुलजिम करार दे रहा हूँ, और मैं किसी एक फ़र्द को भी मुलजिम करार नहीं दे रहा हूँ, वाज़े रहे।
अगर कोई तिलमिला उठे तो वो अपने ज़मीर का खुद जायज़ा ले। मैं किसी एक फ़र्द की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, एक निज़ाम है, एक निज़ाम है जिसे हम मग़रबी सरमायादारी का निज़ाम कहते हैं। ये चाहता है कि हर फर्द इसके सामने सर बसुजूद हो, जो वो कह दें वो हो जाए, कोई इनकार ना करे, और जैसा वो चाहें वैसा निज़ाम तालीम बने। अगर उनकी आदतें गैर फितरी हैं तो फिर उनके सामने कोई ऐसा खड़ा ना हो जो कह सके मियाँ ये गैर फितरी अमल कर रहे हैं आप। वो कहें नहीं, यही आईने फितरत है, तुम भी यही करो। तो छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि भाई तुम बताओ क्या बनना चाहते हो। छोटे लड़के, 5 बरस का लड़का, 6 बरस का लड़का, 5 बरस की लड़की, 6 बरस की लड़की, तुम क्या बनना चाहते हो? मर्द की हैसियत से जीना चाहते हो, औरत की हैसियत से? तुम्हें इख्तियार है। तुम लड़के हो, अगर लड़की बनना चाहते हो तो तुम्हें इख्तियार है। माँ बाप अगर रोकें तुम्हें तो हम उन्हें जेल में डाल देंगे, तुम आज़ाद हो। क्या निज़ाम तालीम है, क्या निज़ाम हुर्रियत है, क्या आज़ादी का निज़ाम है, क्या इंसानियत के लिए तोहफा है? और हमारे जवान तड़प तड़प के उन्हीं मुल्कों में जाना चाहते हैं। क्या अच्छा मुल्क है। बाज़ हज़रात तारीफ करते हैं कि साहब यहाँ से तो ज़्यादा इस्लाम वहाँ है। क्या इस्लाम शनासी है। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। क्या इस्लाम शनासी है। और ताज्जुब तब होता है, अब जाने दीजिए, ये ताज्जुब वाली बात इस वक्त नहीं जिक्र करूँगा, दामन बयान को समेट लो, इतना काफ़ी है आपके जहन व ज़मीर को झंझोड़ने के लिए। बताइए कि सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किस लिए किया था? इसीलिए तो कि एक निज़ाम पैदा हो रहा था जो गैर फितरी था। गैर आदिलाना था, मुनसिफाना नहीं था, आइन व असासे वही व अखलाक नबवी पर कायम नहीं था, इंसानी फितरत से टकराने वाला था, इसलिए इमाम ने क़याम किया था ना। तो इमाम की याद के सदक़े में, इमाम के जिक्र के सदक़े में हमें यह हक हासिल होना चाहिए और हमारे पास ये जुर्रत होनी चाहिए कि हम दुनिया के बड़े से बड़े बातिल निज़ाम के सामने कम से कम हर्फ़े एतराज़ बन के तो खड़े हो जाएं। चाहते हैं कि ये आ जाए, मुनकलिब हो जाए दुनिया, यानी आप सोचिए, फिर सोचिए, मैं क्या अर्ज़ करूँ? अब वक्त मेरा साथ दे या ना दे, आप मेरा साथ दीजिएगा। इक्तसादी निज़ाम कैसा बन रहा होगा दुनिया का, किस तरह से, किस जहानत कहूँ या शैतानत, किस शैतानत के साथ, किस मकर के साथ निज़ाम बनाए जाते हैं, अफराद को असीर करने के लिए और फिर पूरी पूरी कौमों को असीर करने के लिए और फिर अपने अलावा तमाम दुनिया की कौमों को तबाह करने के लिए।